देखो अपन आज भी क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स पढ़ेंगे, बहुत सारे नीट एम्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। आप सभी को जवाब देना है ना। इस ट्रिक्स से बहुत सारे नीट एम्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे करेंगे। फिर उसके बाद अपन सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह की ट्रिक वगैरह देखेंगे, है ना। पैरोटिड ग्लैंड्स क्या होते हैं, उसकी क्या ट्रिक वगैरह वो देखेंगे, है ना। और काफी अपन आज इंटरेस्टिंग चीजें करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। देखो ठीक है, अब ये है वायरस की ट्रिक। जितने भी वायरस है बेटा, जितने भी वायरस हैं वो इससे आपके पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी वायरस है, मैं इससे पहले फंगस के बारे में बता चुका था, उसकी ट्रिक दे चुका था, और फिर उसके पहले बैक्टीरिया की ट्रिक दे चुका था। वो आया भी था क्वेश्चन, याद है सभी को आया भी था वो क्वेश्चन, बैक्टीरिया का टेस्ट में आया था। तो अब देखो ये है सारे के सारे वायरसेस की ट्रिक। क्या है, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है एंटी वाले। आप सभी लोग पेपर देंगे नीट का, कौन सा दोगे, नीट का ही दोगे। तो नीट के पेपर आप जब आप दोगे तो आपको दो आपकी काउंसलिंग होगी, मैं अभी से ही बता देता हूं। एक होगी ऑल इंडिया काउंसलिंग और एक होगी स्टेट वाइज काउंसलिंग। दो आपकी काउंसलिंग होगी, एक ऑल इंडिया लेवल पर होगी और एक स्टेट वाइज। स्टेट का थोड़ा फायदा मिल जाता है, उससे क्या होता है कि कम रैंक पर भी स्टेट का अच्छा कॉलेज मिल जाता है अगर आप उस स्टेट के हैं। पर अपन कौन से स्टेट के हैं, एमपी के। अपन कौन से स्टेट के हैं, एमपी के, है ना। तो हमने देखा है कि एमपी के जो लोग होते हैं बड़े मेहनती होते हैं, है ना। तो हमारे जो डॉक्टर मिश्रा है, कौन है, आप लोग भी डॉक्टर बनोगे बड़े बड़े, है ना। आपका नाम आएगा, क्या नाम है आपका। तो बहुत सारे जो है डॉक्टर जो बनेंगे, एक डॉक्टर है डॉक्टर मिश्रा, है ना। तो आप सोचते होंगे कि सबसे अच्छे डॉक्टर दिल्ली में ही है, ये बहुत गलत आप लोगों की वो है, है ना, प्रेडिक्शंस है, ठीक है। कई ऐसे डॉक्टर हैं, ठीक है, जो कि ग्वालियर में दिल्ली छोड़ से, मैंने खुद देखे दिल्ली छोड़ छोड़ करके ग्वालियर में आ रहे हैं। ग्वालियर में क्योंकि ग्वालियर में अभी इतने ज्यादा डॉक्टर नहीं है और कॉम्पिटिशन भी नहीं है, है ना। और काफी जो है यहाँ के जो बच्चे हैं काफी अच्छे ब्राइट बने, बाहर जाकर के पढ़े और यहाँ पर अच्छा अपना सेटअप किया, है ना। तो काफी लोग आ रहे हैं यहाँ पर भी, एमपी में भी, है ना, ठीक है। तो देखो भाई डॉक्टर मिश्रा है बेस्ट है एमपी वाले, ठीक है, याद रखोगे डॉक्टर मिश्रा है बेस्ट है कहाँ के, एमपी वाले, ठीक है। आरिया समझ में। देखो डॉक्टर और टीचर दो ऐसी चीजें होती है जो नाम से जाए आपने जिनके पास, है ना, चाहे कितना भी दूर क्या ना हो। डॉक्टर दिल्ली भी जाते हैं अपन, अगर बोलेगा कोलकाता तो अपन कोलकाता भी जाएंगे, है ना, किससे, नाम की वजह से, इस वजह से, नाम की वजह से। तो डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है एमपी वाले, ठीक है। तो डी फॉर डेंगू, डी फॉर डेंगू किसकी वजह से होता है, सर आप यहाँ पर मजे ले रहे हो हमारे। पिछले टर्न पर आपने बताया था कि डेंगू जो होता है मच्छर के काटने से होता है, किसी को याद है, मैंने बोला था ये बात, मच्छर के काटने से होता है। टाइगर एजिप्टी, क्या नाम है, टाइगर एजिप्टी, या फिर अपन इसको एडीज मॉस्किटो कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बोलना जरा, एडीज मॉस्किटो, एडीज। इस एडीज मॉस्किटो की वजह से क्या होता है, डेंगू होता है बेटा, क्या होता है, डेंगू होता है। आई बात समझ में। इसमें डेंगू में क्या होता है, आपका प्लेटलेट्स कम हो जाती है, क्या हो जाती है, आपकी प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ये बात ध्यान में रखना। एक्चुअल में क्या होता है कि एडीज मॉस्किटो के पास होता है वायरस, क्या होता है, और वायरस जो होता है ये किस में डाल दिया जाता है, ये था इससे मिलो, ये है हमारा पॉम्पी, क्या बेटा इसका नाम, क्या नाम है इसका, पॉम्पी। क्यों, इसके क्या है, स्पाइक बाल है भाई, क्या है इसके बाल, कैसे है, बड़े नुकीले, टच भी करोगे तो खून निकल आएगा, बड़े खतरनाक बाल है इसके, है ना। तो ये पॉम्पी मजे ले रहा था, लेकिन एक रात इसको काट खा गया एक मॉस्किटो का, मॉस्किटो जो है उसने काट खा लिया, है ना, क्या क्या डाल दिया, वायरस डाल दिया उसके अंदर, क्या डाल दिया, वायरस डाल दिया, ठीक है। इससे उसको क्या हो गया, डेंगू हो गया, उसको क्या हो गया, डेंगू हो गया। एक्चुअल में वायरस, एक्चुअल में डेंगू किसकी वजह से हुआ, वायरस की वजह से या एडीज मॉस्किटो की वजह से, वायरस की वजह से। अगर आप इसमें वायरस ऐसे डाल दोगे इंजेक्शन के थ्रू, वायरस डाल दोगे तब भी उसको डेंगू होगा कि नहीं होगा भैया, एडीज तो एक जो है कह सकते हो कि एक ऑटो रिक्शा वाला है, ठीक है, और उसने वायरस को बैठाला हुआ है, किसको बैठाला हुआ है, वायरस को, और ये वायरस जैसे इसके पास जाएगा इसको डेंगू फैलाएगा, क्या फैलाएगा,
कभी तुमने देखा होगा किसी को मारना होता है तो लड़के लोग जो है ये हॉकी ये और वो लेकर के सीधा ऑटो में बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो मुझे बात बताओ मारता कौन है? लड़के मारते हैं, लड़का यानी वायरस, वायरस मारेंगे इसको, है ना? ऑटो रिक्शा किसी ऑटो, ये तो एडीज मॉस्किटो क्या है, एक ऑटो रिक्शा थोड़ी मारेगा इसको, समझ रहे हो बात को, समझ आया कॉन्सेप्ट? तो ये वही वाला केस है, तो ये लड़के जो होंगे इसको या वायरस जो होगा इसको मारेगा, जबकि एडीज का कोई मतलब नहीं है, उसको तो बस खून चाहिए था, क्या चाहिए था, खून, ठीक है भाई, समझ आ गया। चलो अब देखो मिजल्स, ठीक है, हेपेटाइटिस, रेबीज, नाम सुना है? कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, सुना है? कुत्ते के काटने से क्या होता है? रेबीज। एड्स को तो कौन नहीं जानता, कौन ऐसा एड्स को नहीं जानता, लोग इसके बारे में ही सोचते हैं क्योंकि ये क्या है, एसटीडी है, कहीं दिक्कत ना हो जाए, आजकल बच्चे पैदा होने से ज्यादा दिक्कत एड्स की होती है, कहीं एड्स ना हो जाए, है ना? तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है, चलो भाई, तो ये बात ध्यान में रखना, ये एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्या है बेटा ये, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसे कहते हैं एड्स, है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो यानी क्या बताया था कल मैंने, याद है आपको इम्यूनो यानी क्या होता है, कल ही बताया था लैटिन लैंग्वेज आप सभी को, इम्यूनो यानी इम्यून सिस्टम बेटा, इम्यूनो यानी इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यूनो यानी इम्यून सिस्टम, है ना, और उसकी क्या हो गई है, कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, यानी इम्यून सिस्टम कैसा हो गया है, वीक हो गया है बेटा, क्या हो गया है, वीक हो गया है, ठीक है, देख लो ये है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स, ए आई डी एस, एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, क्लियर है? तो इसमें इम्यून सिस्टम की क्या हो जाती है, वीक हो जाता है, इसमें क्या होता है एक्चुअल में, इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक, ये बात ध्यान में रखना, इम्यून सिस्टम हो जाएगा वीक। तो एक बात ध्यान रखना कि कोई भी इंसान एड्स से कभी मरता ही नहीं है, या बहुत कम होता है केस, सुनना, एड्स का व्यक्ति जो है एड्स से कभी नहीं मरता, क्या बात कर रहे हो सर, इतना तो एड्स के व्यक्ति किससे मरता है बता सकता है, हाँ दूसरी बीमारी, छोटी मोटी बीमारी जो होती है ना उससे मर जाता है, समझ रहे हो बात को, जैसे किसी को एड्स हो गया, मान के चलो क्या हो गया, ना हो ठीक है, लेकिन किसी को हो गया है, क्या हो गया है तुम्हें, क्या हो गया भैया, एड्स, चलो भैया सुनते जाना, तो जैसे मान के चलो एड्स है, सुनते जाना, एड्स अगर हो गया है, एड्स अगर हो गया तो इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है, तभी कहते हैं डावर डावर च्यवनप्राश खाओ, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाओ, है ना, तो इम्यून सिस्टम जैसे वीक हो गया मान के चलो, तो फिर कोई छोटा मोटा भी बैक्टीरिया लात मार के भगाते होंगे, वो भी डिसीज फैला जाएगा, आरीबा सब में कहते हैं ना, जब कोई परेशान होता है या जब बहुत ज्यादा वीक हो जाता है तो कोई भी उसके ऊपर हावी हो जाता है, कोई भी उसके ऊपर हावी हो जाता है, अब जैसे समझ लो शेर है, शेर जो है, शेर की गर्लफ्रेंड जो है छोड़ के भाग गई उसको, शेर बड़े गम में है, शेर बड़े क्या है, गम में है, शेर बहुत ज्यादा गम में, अब तुम शेर पर हावी हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, शेर अब क्या हो गया है, वीक हो चुका है, क्योंकि उसकी जो लायनेस है या गर्लफ्रेंड है वो छोड़ के भाग गई है, ऐसा ही केस यहाँ पर है, यहाँ पर जो एड्स हुआ है बंदे को, एड्स में इम्यून सिस्टम क्या हो गया है, वीक हो गया है, कोई भी आएगा ना छोटा मोटा, ठीक है, वो उसके ऊपर हावी हो जाएगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, आ रही बात समझ में, जो एड्स जो टाइगर जो आपका लॉयन है जो शेर है उसको डियर ही मार के चला जाएगा, वो कह रहा है ये गम क्यों नहीं खत्म हो रहे हुए, समझ रहे हो बात को, तो ये वही वाला सिस्टम है, कोई भी जब आदमी वीक हो जाएगा तो कोई भी हावी हो सकता है, ठीक है, इसलिए अपना स्ट्रांग रखें, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये हो गई एड्स, रेबीज आप जानते हैं कुत्ते के काटने से होती है, स्वाइन फ्लू जानते हो आप, याद है स्वाइन फ्लू, आपने अभी स्वाइन तुम लोगों ने वहां पर स्वाइन फ्लू हुआ, चिकनगुनिया हुआ, जानते हो, यहाँ तक कि कोरोना वायरस हुआ, ये भी सब क्या है, सारे के सारे सारी वायरल की डिवाइड वायरल डिसीज है, कौन सी डिसीज है बेटा,
वायरल डिसीज है, टिटनस, मम्स, पोलियो, पोलियो जानते हो क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, सारी डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा बस ऊपर से देता हूँ व्यू। पोलियो में क्या होता है कि तुमने देखा होगा आदमी चल फिर नहीं पाता पोलियो की। अब इंडिया में पहले बहुत पोलियो होता था, जैसे मान के चलो ऐसा समझो जैसे पहले, अभी यहाँ पर कोरोना बहुत फैला हुआ है, पहले इंडिया में पोलियो बहुत फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था? पोलियो बहुत फैला था, 2000 की बात है ये, है ना, 2002 की बात है, पोलियो बहुत फैला था। अभी जैसे कोरोना को हमने क्या कर दिया, वैक्सीन लगा लगा के लगभग क्या कर दिया, लगभग खत्म कर दिया है ना। वैसे ही पोलियो को भी क्या कर दिया था, पहले पोलियो बहुत फैला हुआ था तो हमने पोलियो को भी क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है। आरिवा समय में टिटनस, टिटनस जो होता है आप जानते हो टिटनस क्या होता है, टिटनस का इंजेक्शन सुना होगा तुम लोगों ने। ये क्या होता है एक्चुअल में, ये वायरस जो होता है कील वगैरह पे प्रेजेंट रहता है, जो कीले होती है, नुकीली चीजें जो होती है, कील, लोहे की जंग लगी हुई, कैसी लगी हुई, जंग लगी हुई चीजें जो होती है ना, उस पर कौन सा वायरस होता है, टिटनस का वायरस बैठा हुआ रहता है जंग लगी चीज ऊपर। और जैसे ही आप गिर गए, जैसे ही आप गिर गए तो आपको चोट लग जाएगी, लग जाएगी चोट, तो फिर उसके बाद जो वायरस होगा टिटनस का वो किसमें चला जाएगा, आपकी बॉडी में चला जाएगा। आई बात समझ में? तो जैसे ही आप किसी लोहे की चीज से आपको जब चोट लग जाती है तो हम टिटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपका वायरस ना आ गया हो। क्या आ गया? क्या ना आ गया हो? वायरस ना आ गया हो, ये बात ध्यान में रखना। तो ये टिटनस का वायरस कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा टिटनस का वायरस, जंग लगी हुई चीजों में। कहाँ पर? जंग लगी हुई चीजों में। रेबीज का वायरस किसमें मिलेगा? कुत्ते की सलाइवा में, डॉग सलाइवा। किसमें मिलेगा? डॉग सलाइवा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मम्स भी बताऊंगा। पोलियो में क्या होता है बताने जरा, हाथ पैर काम नहीं करते, लकवा मार जाता है। क्या मार जाता है? लकवा टाइप के मार जाता है, लकवा टाइप का हो जाता है पैर, हाथ पैरों में। मम्स जो होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ आपको, है ना, अभी बता रहा हूँ, मम्स छोड़ देना, बाकी सब मैं आपको बताता जा रहा हूँ। स्वाइन फ्लू आप सभी जानते हैं, वायरल डिसीज है स्वाइन फ्लू, नाक कान जुकाम वगैरह होगा उसमें, है ना, बहुत ज्यादा बुखार रहता है, ठीक है। ये जितने भी फ्लू होते हैं, फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोरोना, इन्फ्लुएंजा, ये सारे इसमें यही सिम्टम्स होते हैं। बताओ कौन कौन से, आपकी नाक बहेगी, गला खराब होगा, आपको क्या आएगा, सर दर्द होगा, ये सारी चीजें होंगी। एड्स समझ गए? एड्स भी वायरस से होता है। एड्स कैसे फैलता है, एड्स कैसे फैलता है कोई बता सकता है? अगर इसके अलावा तो पता ही नहीं है कोई, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, और किससे, इंजेक्शन के थ्रू। किसके थ्रू? आप अगर पहले क्या होता था, महंगी आती थी इंजेक्शन, है ना, अभी तो क्या प्लास्टिक की आने लगी है, पहले ग्लास की होती थी इंजेक्शन, किसकी होती थी, ग्लास की। जब आप इंजेक्शन लेते थे, एक से लिया और दूसरे में हमने वो इंजेक्शन को यूज कर लिया, तो इसका ब्लड इसमें, इसका ब्लड इसमें हो गया, तो यहाँ का वायरस कहाँ आ गया, इसके पास आ गया। ये बात ध्यान में रखना, इधर क्या देख लो, कोई वायरस नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। आई बात समझ में? हेपेटाइटिस क्या है? मैंने तुम्हें एक वर्ड बताया था, याद करो, याद करो सभी, मैंने तुम्हें लैटिन लैंग्वेज पढ़ाई थी, है ना, तब मैंने तुम्हें बताया था हेपेटो, याद है क्या बताया था? हेपेटो यानी क्या होता है? वेरी गुड बेटा, लिवर। और आइटिस यानी, कहीं भी वर्ड आइटिस आ जाए, क्या आ जाए बेटा, आइटिस, आइटिस इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन बेटा। क्या होता है? इन्फ्लामेशन बेटा। इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन कोई बता सकता है क्या होता है? इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग। क्या होता है बेटा? स्वेलिंग और रेडनेस और इचिंग। आप कभी भी, आपसे पूछे वर्ड आए ना इन्फ्लामेशन या आइटिस, क्या आ जाए बेटा, या आइटिस आ जाए या क्या आ जाए, इन्फ्लामेशन। इसका मतलब होता है, ऐसा याद रखना जैसे किसी आपको मॉस्किटो ने काट खा लिया हो, तो क्या क्या होता है, एक तो क्या होती है बताओ, एक तो क्या होता है जब कोई मॉस्किटो काट खाता है तो क्या होता है बेटा, एक तो लाल लाल हो जाता है लाल लाल, तो रेडनेस हो गई। दूसरा और क्या हो जाता है? सूज जाता है। सूज जाता है तो यानी क्या हो गई? स्वेलिंग हो गई। और क्या होता है? दर्द होता है कि नहीं होता? नहीं सर, मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। क्या होता है? पेन होता है बेटा। क्या होता है? पेन होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें होती है तो उसे कहते हैं इन्फ्लामेशन। जब लिवर में सूजन आ जाए, लिवर में क्या आ जाए बेटा, सूजन आ जाए, लिवर में पेन होने लगे, लिवर में रेडनेस होने लगे, तो उसे क्या कहेंगे?
हेपेटाइटिस। अब देखो कैसे मजे लेते हैं, आज अपन ने एक वर्ड पढ़ा आइटिस, कल पढ़ चुके थे अपन हेपेटो, लैटिन लैंग्वेज में अपन ये वर्ड कवर कर चुके थे, हेपेटो, हेपेटो यानी लिवर, है ना। अपन ने क्या बताया था ये बताना बेटा, कार्डियो यानी क्या होता है, कार्डियो यानी हार्ट। और अपन ने अभी 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 एक वर्ड पढ़ा आइटिस, आइटिस यानी क्या होता है, आइटिस यानी इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन यानी सूजन वगैरह, है ना, सूजन वगैरह, स्वेलिंग वगैरह हो जानी है, है ना। तो बेटा कहीं भी हो सकती है वो सूजन, है ना, अगर वो हर्ट में हो जाए सूजन तो उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कार्डाइटिस, क्या कहेंगे बेटा, कार्डाइटिस, कार्ड डाइट पर गई हुई है, कार्डाइटिस, ठीक है। कार्ड यानी क्या है बेटा, ये हर्ट, और आइटिस यानी इन्फ्लामेशन बेटा, इन्फ्लामेशन, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो ये है आपका कार्डाइटिस, ठीक है। और बता सकते हो न्यूराइटिस, क्या बेटा, न्यूराइटिस, न्यूर मतलब क्या होता है, न्यूर यानी क्या होता है, नर्वस या नर्वस सिस्टम या ब्रेन वगैरह, है ना, नर्व्स। और आइटिस यानी इन्फ्लामेशन, क्या बेटा, इन्फ्लामेशन, ठीक है। और कोई आइटिस आता है, कोई और कोई बता सकता है आइटिस, बताओ और कोई भी आइटिस, कार्डाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस सुना होगा आपने, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सबसे गंदी होती है हेपेटाइटिस बी, सबसे गंदी कौन सी होती है बेटा, हेपेटाइटिस बी सबसे गंदी होती है, ये बात ध्यान रखना। और वो एक एसटीडी है बेटा, क्या है, हेपेटाइटिस बी एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, कौन सी वाली, हेपेटाइटिस बी, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, समझ में आ गया। वेरी गुड, एक आया विदुषिका, अर्थराइटिस, क्या बात है, अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन, अर्थ मतलब होता है जॉइंट्स, अर्थ यानी क्या होता है, जॉइंट्स या फिर बोन, उसे क्या कहते हैं, जब जॉइंट्स में क्या होने लगे बेटा, सूजन आने लगे, देखा है तुमने अर्थराइटिस में, महिलाओं में आपने देखा होगा लाल लाल यहाँ पर जो जॉइंट्स होते हैं उसमें लाल लाल स्वेलिंग आने लगती है, देखा है, कई बार होता है ये, है ना, उसे कहते हैं अर्थराइटिस, ठीक है। जॉइंट्स में क्या हो रही है, सूजन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है या इन्फ्लेमेशन आ रही है, क्लियर है, समझ में आ गया, चलो नाम सुनते जाना बेटा। देखो ऐसे ये, देखो ये मजा आता है इसमें, ये गेम खेलो, ये है ब्लैक एंड लैंग्वेज का गेम, ठीक है, क्या बेटा, राइनाइटिस, क्या बेटा, राइनाइटिस, राइना यानी क्या होता है, राइनोसोरस, क्या होता है राइना यानी, राइना यानी क्या होता है, नेसल कैविटी बेटा, क्या है, नेसल कैविटी या नोज कह सकते हो, क्या कह सकते हो, नोज कह सकते हो आम भाषा में, ठीक है, नोज कह सकते हो। राइटिस यानी क्या होता है बेटा, इन्फ्लामेशन, उसे क्या कहते हैं, राइनाइटिस, क्या कहते हैं बेटा, राइनाइटिस, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। देखो डर्माइटिस, डर्मा यानी स्किन, और आइटिस यानी इन्फ्लामेशन, ठीक है, चलो ठीक है। तो स्किन में अगर इन्फ्लामेशन होने लगे तो उसे क्या कहेंगे, डर्माइटिस। और ये जो लंग्स होते हैं की जो ट्यूब होती है हम क्या कहते हैं, दर्द होने लगे तो उसे क्या कहेंगे, ब्रोंक। देखो स्मॉल पॉक्स, सुनो स्मॉल पॉक्स में डिसीज कौन सा, एक बार ध्यान रखना, छोटी माता और बड़ी माता, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, जानते हो क्या होता है, चिकन पॉक्स कौन सी होती है, बड़ी माता, और स्मॉल पॉक्स, सामने आ रहा है, स्मॉल पॉक्स छोटी माता, चिकन पॉक्स बड़ी माता, ये जो जितनी भी माता है कौन सी डिसीज है, वायरल डिसीज है बेटा, कौन सी डिसीज है, आप देखते होंगे जब भी छोटी माता है बड़ी माता जो भी होती है, इसमें आप देखते हो स्किन में कैसे जो रैशेस वगैरह जाते हैं, देखते छोटे छोटे, है ना, तो रैशेस वगैरह भी आ जाते हैं, दर्द भी होता है वहां पर, इन्फ्लेमेशन भी होती है स्किन में, है ना। तो स्मॉल पॉक्स कैसे होता, वायरस के थ्रू ये होती है, इसलिए उसको वेरियोला भी कहते हैं। स्मॉल पॉक्स का दूसरा नाम आया, आपको पहली बार समझ में आया होगा, स्मॉल पॉक्स का दूसरा नाम वेरियोला बेटा, कौन सा होगा,
वेरियोला, ठीक है। अब सुना, विच वन इज वायरल डिसीज, कौन सी वायरल डिसीज है, कौन सी, मीजल्स, ठीक है। ये स्किन डिसऑर्डर है बेटा, रैशेस हो जाते हैं, ये भी स्किन डिसऑर्डर है, मीजल्स भी क्या है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, मीजल्स है ना, रिकेट्स, वेरी वेरी, ठीक है। अब सुनो, अब है दैट, सुनो, रिकेट्स, रिकेट्स भी तो वायरल डिसीज होती है, क्यों, सुनो बेटा, ये एक है रिकेट्स और एक इधर क्या अंतर है पता है, एक जन बोल रहे थे देखना, रेबीज, रिकेट्स अलग चीज है, रेबीज अलग चीज है, आज से रेबीज अलग चीज है, रेबीज तो डॉग की वजह से होती है, जब कुत्ता काटता है तो रेबीज हो जाती है, रिकेट्स किसकी वजह से होती है, कौन से विटामिन की कमी से होती है, विटामिन, विटामिन डी बेटा, विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, ठीक है। विटामिन ये बेरी बेरी बेटा, कौन सी बेरी बेरी, कौन सी, डी फॉर विटामिन, वेरी गुड, सब कुछ डी भी है बेटा, बीबी की वाइंस हो गए तो विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होगा, ठीक है। और सिफिलिस जो है ये एसटीडी है बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, है ना। इसका आंसर क्या बेटा, मीजल्स, ये स्किन डिसऑर्डर है बेटा, मीजल्स है ना, दाग हो जाते हैं इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, विच वन इज द वायरल डिजीज, का आंसर क्या आएगा, मीजल्स, ठीक है। अच्छा विटामिन डी कहाँ से मिलता है, कमी कैसे हो रही है, किससे मिलता है, कोई बता सकता है विटामिन डी किस वजह से मिलता है। देखो देखो क्या होता है, समझने की कोशिश करना, आपकी एक्चुअल में कहते हैं विटामिन डी, सुनना, विटामिन डी जो होता है कहते हैं सनलाइट से मिलता है, तो कैसे लेते हो सनलाइट से, तुम लोग जादू हो गया तो सनलाइट से ऐसे लिए जो है विटामिन डी तुम्हारे पास आ गया, जादू हो गया तुम लोग, तो धूप में निकल गए तो हमको क्या मिल गया, विटामिन डी। बता सकता है क्या होता है, कैसे क्या होता है, देखो भाई तुम्हें रियल सब आया है तो बता रहा हूँ। अब ये क्या है, सन है, मान के चलो बेटा ये क्या है, सन है बेटा, सन, ठीक है, ये सन है, ठीक है, ठीक है, ये सन है मान के चलो। अब सन से ये स्किन, ठीक है, ये किसकी स्किन है, छुट्टी वाली लड़की की स्किन पर आ रही है सनरेज, क्या आ रही है बेटा, सनरेज आ रही है छुट्टी वाली लड़की की, ठीक है, स्किन पे क्या आ रही है, सनरेज आ रही है, ठीक है। इसका नाम क्या रखें, छुट्टिया क्या रखें, कुछ भी रख दो, नाम ने क्या रखा है, काम में रखा है, ठीक है। चलो सुनते जाना बेटा, इधर देखो, ये लड़की इसकी स्किन पर क्या कर रही है, सनरेज कर रही है। सुनो, स्किन में जो है एक एक केमिकल होता है डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, क्या होता है बेटा, डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जब इस पर जब सनलाइट गिरती है, इस पर सनलाइट गिरती है तो क्या बन जाता है, विटामिन डी बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, विटामिन डी, क्या बन जाता है बेटा, विटामिन डी बन जाता है। आरी बात समझ में, अभी अपन सिर्फ बेसिक्स ले रहे हैं, कोई अभी कुछ पढ़ा नहीं, अभी सिर्फ बेसिक्स के पता होना चाहिए लोगों को, ये तक नहीं पता है, बताओ सनलाइट में स्किन में क्या है, डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, क्या बेटा, डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, सनलाइट इस पर कर पड़ेगी स्किन पर तो क्या बन जाएगा, विटामिन डी। तो विटामिन डी हमें सूरज से मिलता है या स्किन में बनता है, किससे बनता है, स्किन में बनता है विटामिन डी, किसकी हेल्प से, डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की हेल्प से बेटा, डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की हेल्प से, क्लियर है, समझ में आ गया। अब तो नहीं बोलोगे कि सन से विटामिन डी मिलता है, अब क्या बोलोगे, सन की हेल्प से विटामिन डी बॉडी की स्किन में बनता है, क्या बोलोगे आप, बोलो जरा सभी इकट्ठे, सन की हेल्प से विटामिन डी बॉडी के स्किन के अंदर बनता है, क्लियर है, समझ आ गया। चलो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब पूछा जाए कि विटामिन डी कहां बनता है, तो आप कहां बोलोगे, कहां पर बोलोगे, स्किन में, वेरी गुड।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। ठीक है देखो भाई सुनो यार, चलो अब बेटा सुनते जाना। देखो ये इसका आंसर क्या है, डेंगू फीवर का क्या है, एडीज, एडीज मॉस्किटो की वजह से क्या होता है, डेंगू फीवर, एडीज मॉस्किटो की वजह से क्या होता है, डेंगू फीवर। ठीक है डेंगू क्या, अब सुनो ये कोई बताओ, अपनी एक चीज रह रही थी मम्स, क्या रह रही थी बेटा, अपन ने एक ट्रिक पढ़ी थी याद होगा सभी को, कौन सी थी, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है एमपी वाले बेटा, कौन से डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है एमपी वाले, ये अपन ने पढ़ा था, मम्स रह गया था अपना, क्या रह गया था मम्स। तो मम्स में क्या होता है देखो, अब मैं आपको मम्स बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ठीक है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है इसका आंसर आप बताएंगे मुझे, मम्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ, इसका आंसर है बेटा पी, पैरोटिड ग्लैंड, मैं बताऊंगा कैसे, है ना बताऊंगा पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है। ठीक है देखो क्या होता है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है अब पैरोटिड ग्लैंड आपने जानेंगे, देखो सुनो, देखो बेटा सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, कौन से ग्लैंड होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में बनता है सलाइवा, क्या बनता है बेटा बोलो इकट्ठे, सलाइवा, क्या बनता है सलाइवा। ठीक है रखना, देखो बेटा सलाइवरी ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनमें सलाइवा बनती है, सलाइवा यानी क्या होती है लार, ठीक है समझ रहे हो ना आपको, तो वो बनती है किसमें, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, और ये जो सलाइवा होती है कहाँ आती है ओरल कैविटी में, क्या आती है बेटा ओरल कैविटी, ये मुंह में आती है ना सर, मुंह तो ये देखो सुनना एक बात, अपन बहुत बड़ी गलती करते हैं अपन, ये होता है बेटा माउथ, ये क्या होता है बेटा माउथ, ये होता है माउथ, ये जो ओपनिंग देख रहे हो लिप्स के इधर, ये है माउथ, क्या बेटा ये माउथ है ये पूरा पूरा, बाकी इसके अंदर क्या है, बाकी ये इसके अंदर वाला क्या है, ये ओरल कैविटी है बेटा, ये क्या है बेटा ये ओरल कैविटी वाली जो चीज है, ये क्या है ओरल कैविटी, आई बात समझ में, जिसमें जिसमें आपके दांत होते हैं ना, जिसमें क्या होते हैं आपके दांत होते हैं, दांत वगैरह होती है जहां आपकी जीभ रहती है, वो क्या होती है आपकी ओरल कैविटी, समझ गए। तो ये बताओ ये क्या है, ये क्या है इसमें, ये क्या ऊपर वाला जिससे लिप्स वाला हिस्सा माउथ है, ये क्या बेटा ये माउथ, और अंदर वाला जहां पर दांत है वो क्या है ओरल कैविटी, क्या बेटा ये ओरल कैविटी। ठीक है तो समझने की कोशिश करना, यहाँ पर आपकी बहुत सारी थूक आती है, यहाँ पर क्या आती है बहुत सारी थूक आती है, ठीक है कहाँ कहाँ से आती है, इसके ग्लैंड होते हैं कौन कौन से, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, कौन कौन से होते हैं पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है देखो ये नाम तो है ऐसे ही पढ़ा है अपन ने, मैंने तुम्हें क्या बोला था, बायोलॉजी रटने की चीज नहीं है, अपन ने सब समझेंगे, नामकरण जो होता है ना बायोलॉजी का, ऐसे नहीं किसी का भी नाम जो है रख दिया अपन ने, फिर तो बढ़िया रखते इसका नाम रख देते पारो, कितना बढ़िया रख देता पारो, उससे बढ़िया नाम है पैरोटिड ग्लैंड का, इसका सबलिंगुअल का रख देते कुछ भी, लीजा रख देते लीजा, है ना आरिवास, लेकिन ऐसे नहीं रखते। ठीक है तो देखो ये वाली जो आपको ग्लैंड दिख रही है पैरो, पैरो जो होता है कान, पैरो यानी क्या होता है कान, ये कान से थोड़ा रिलेटेड होता है, कान के जस्ट आगे जो ग्लैंड मिलेगी सलाइवरी ग्लैंड, ये कान है क्या बेटा, ये कान के जस्ट आगे जो सलाइवरी ग्लैंड है उसको क्या कहेंगे बेटा पैरोटिड ग्लैंड, क्या कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड, क्लियर है। इधर देखो बेटा सभी जगह इधर देखेंगे, कान के जस्ट आगे जो ग्लैंड है उसे क्या कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड, क्या कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है ठीक है बेटा, तो देखो जो कान के बगल में ग्लैंड दिख रही है इसे कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, क्या कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ये आपको ऐसे भी दिख जाएगी वाली कौन सी ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है अब सुनो, सब लिंगुअल, लिंगुअल का मतलब क्या होता है, लिंगुअल का मतलब क्या होता है जीभ, लिंगुअल का मतलब क्या होता है बेटा जीभ, जीभ यानी टंग, है ना, अगर जो जो ग्लैंड टंग के नीचे हो, ठीक है जो ग्लैंड कहाँ हो टंग के नीचे हो, ये टंग रहेगी यहाँ पर, क्या रहेगी ये टंग, ठीक है यहाँ पर टंग रहेगी, ठीक है समझ रहे हो, जो टंग के नीचे हो उसको क्या कहेंगे सब मैक्सिलरी, सब का मतलब होता है नीचे, सब का मतलब क्या होता है, सब का मतलब क्या होता है नीचे, ठीक है सब यानी नीचे, सब लिंगुअल यानी क्या हो गया टंग के नीचे, कौन सी वाली है बेटा ये समझ गया,
टंग के नीचे क्या कहलाई जाएगी? सब लिंगुअल ग्लैंड। इस ग्लैंड का नाम क्या होगा? नीचे, किसके नीचे? किसके नीचे? लिंगुअल, टंग के नीचे, ठीक है, ये ग्लैंड होती है, इसे कहते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। क्या कहते हैं? सब लिंगुअल ग्लैंड। क्लियर है, समझ में आ गया? अब समझना दूसरा क्या है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा? देखो जो जबड़ा होता है ना आपका, क्या बेटा जो जबड़ा होता है, सुनना ये बात, अभी पता नहीं होगी तुम लोगों को, जो ये जबड़ा होता है ये वाला ऊपर वाला अपर जॉ, जिसे अपन क्या कहते हैं? अपर जॉ, है ना, ये अपर जॉ को कहते हैं मैक्सिला बेटा। क्या कहते हैं? मैक्सिला। क्या कहते हैं? मैक्सिला। और जो ये लोअर जॉ होता है, ये क्या होता है? जो लोअर जॉ होता है, ये लोअर जॉ, इसको क्या कहते हैं? इसको कोई बता सकता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई भी? वेरी गुड, मैंडिबल। वेरी गुड, परफेक्ट बेटा, मैंडिबल। क्या कहते हैं? मैंडिबल। क्या कहते हैं बेटा? मैंडिबल कहते हैं। समझ में आ गया? अपर जॉ क्या कहला जाएगा? मैक्सिला। लोअर जॉ क्या कहला जाएगा? मैंडिबल। क्लियर है, समझ में आ गया? अपर जॉ मैक्सिला, लोअर जॉ मैंडिबल, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेंगे? बहुत दांत रहेंगे, इधर भी दांत रहेंगे, इधर भी दांत रहेंगे, ठीक है। क्लियर है बेटा, एक बात ध्यान रखना, यहाँ तक सब कुछ इमूवेबल है, मूव नहीं करता, लेकिन आपका ये जो लोअर जॉ है ये मूवेबल है। अपर जॉ कैसा है बेटा? इमूवेबल। कैसा है बेटा? इमूवेबल। इमूवेबल मतलब मूव नहीं करेगा, इम यानी नहीं, इम यानी नहीं, क्या नहीं मूव, मूव नहीं करेगा, ये क्या नहीं करेगा? मूव नहीं करेगा। और एक होता है आपका बेटा कौन सा? मैंडिबल, लोअर जॉ बेटा, ये मूव करता है बेटा, ये मूवेबल है बेटा, ये क्या, ये मूवेबल है, ये मूव करेगा बेटा, ये क्या करेगा? ये मूव करेगा। आई बात समझ में बेटा? ये जो मैक्सिला है इसके भी जस्ट नीचे ग्लैंड मिलती है, इसके भी जस्ट नीचे यहाँ पर एक ग्लैंड मिलेगी मैक्सिला के नीचे। बताओ मैक्सिला के नीचे है ये, मैक्सिला के नीचे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? मैक्सिला के नीचे क्या कहलाए जाएंगे बेटा? मैक्सिला के नीचे क्या कहलाया जाएगा? सब मैक्सिलरी बेटा। क्या कहलाया जाएगा? सब मैक्सिलरी बेटा। क्या कहलाया जाएगा? ये सब मैक्सिलरी। आई बात समझ में? सब मैक्स, सब मतलब, सब, सब मतलब क्या होता है? सब मतलब नीचे, और मैक्सिला यानी, मैक्सिला क्या होता है? अपर जॉ, ऊपरी वाला जबड़ा, उसके नीचे जो ग्लैंड मिलेगी उसे क्या कहेंगे? सब मैक्सिलरी, ठीक है। चलो आप मुझे बताना कौन सा क्या है, ठीक है। अब आप मुझे बताना, यहाँ पर है टंग, ठीक है, यहाँ पर क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये है टंग, ये क्या बेटा? टंग, ठीक है। ये है आपका जबड़ा, ये है मैक्सिला, ठीक है। और ये है आपका ईयर्स, क्या ये ईयर्स है। अब आपसे पूछा जाए, ये मुझे बताओ जरा, ये कौन कौन से ग्लैंड्स, तो आप बता दोगे? ये वाला कौन सा होगा बेटा? पैरोटिड। कौन सा होगा बेटा? ये पैरोटिड, ठीक है। ये वाला कौन सा होगा? टंग के नीचे है, तो टंग के नीचे है तो क्या कहेंगे इसको? सभी के मुंह बोलने चाहिए, सब मैंडी, सब लिंगुअल बेटा। टंग यानी लिंगुअल, टंग यानी लिंगुअल, सब लिंगुअल बेटा। क्या होगा? सब, सब लिंगुअल। क्लियर है? चलो अब सुनते जाना भाई, ठीक है। तो याली ग्लैंड कौन सी होगी बेटा, बताना जरा, याली कौन सी होगी? मैक्सिला के नीचे, मैक्सिला के नीचे कौन सी ग्लैंड कहलाई जाएगी याली बेटा? सभी बोले इकट्ठे, सब मैक्सिला, मैक्सिम मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है, समझ आ गई। तो तीन ग्लैंड कौन कौन सी है बताना जरा, तीन ग्लैंड कौन कौन सी है? पैरोटिड, सब लिंगुअल और सब मैक्सिलरी। सबसे बड़ी कौन सी ग्लैंड दिख रही है आपको? सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? तो ये है बेटा लार्जेस्ट। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में बेटा, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है, सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है? इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? कान के उधर वाली, पैरोटिड। क्या आएगा? पैरोटिड। क्लियर है, समझ आ गया? चलो बाद में लिखना बेटा, बाद में लिखना, टाइम दे देंगे, ठीक है। देखो जो आपकी सलाइवा होती है ना, ठीक है, जो आपकी सलाइवा होती है उसमें होता क्या है, कोई बता सकता है? आपकी जो सलाइवा है उसमें क्या है बता सकते हो? थूक में क्या है? थूक में पानी है, क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? पानी है। कितनी थूक बनाते हो तुम लोग एक दिन में? डेढ़ लीटर, देख लिया तुमने, कितने लीटर? डेढ़ लीटर अपन सलाइवा लगभग बना देते हैं। क्या क्या होता है? पानी होती है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन,
और क्या होता है लाइसोजोम, लाइसोजाइम कहो, क्या कहो लाइसोजाइम, वेरी गुड। और क्या होता है, वेरी गुड, क्या बात है, टाइलिन अमाइलेज। और पढ़ लिया कि आता था पहले से ही, आता था, क्या बात, क्या नाम है, एनसी, वेरी गुड। चलो अब सुनते जाना, देखो देखते जाना बेटा, देखते जाना। तो देखो क्या क्या इसके अंदर होता है समझते जाएंगे। सलाइवा में एक तो पानी होता है, सोडियम आयन क्लोराइड आयन वगैरह होती है, बाइकार्बोनेट आयन होती है, और क्या होता है सलाइवरी अमाइलेज, क्या बोला है उन्होंने सलाइवरी अमाइलेज। भाई सलाइवा के अंदर क्या होगा, एक तो होगा वाटर आयन्स, है ना, आयन्स कौन कौन सी होंगी, क्लोराइड वगैरह, बाइकार्बोनेट आयन्स, ठीक है, ठीक है, आयन्स होगी। और क्या होगा, और क्या होगा, नहीं नहीं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, क्या होगा, और सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करती है सलाइवरी अमाइलेज, याद रखना बेटा, अमाइल का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, बोलो मेरे साथ, अमाइल का मतलब कार्बोहाइड्रेट, अमाइल का मतलब क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा ये कार्बोहाइड्रेट, और जो भी एस लगा हुआ, यानी क्या ये एस लगा है, तो क्या होगी ये एंजाइम होगी बेटा, क्या होगी ये एंजाइम होगी, क्लियर है, ये बात समझ आ गई, क्या होगी बेटा ये एंजाइम होगी। बाद में लिखने ना आराम से, बहुत टाइम मिलेगा, जिंदगी ये पढ़िए आराम से, ठीक है, आराम से। देखो ये सलाइवा में मिलती है इसलिए इसका नाम सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा में मिल रही है इसलिए इसका नाम क्या था, क्या सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। पैंक्रियास में भी मिलती है तो उसको क्या कहेंगे, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। क्या करती होगी ये, डाइजेस्ट करती होगी क्या, कार्बोहाइड्रेट को, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। अच्छा सुनो, कोई कार्बोहाइड्रेट का सोर्स बता सकता है, आप बता सकते हो ऐसी कौन सी चीज खाते हो आप जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, राइस और पोटैटो, इधर देखो बेटा, इधर क्या कर रहे, इधर देखो, देखो बेटा इधर देखो, सुनते जाना, पैंक्रियास में जो मिले उसे क्या कहेंगे, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, सलाइवा में जो मिले सलाइवरी अमाइलेज। देखो क्या होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती है, पैंक्रियास वाली जो होगी वो भी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती होगी, तो अंतर क्या है, कोई अंतर बता सकते हो बेटा, आप अंतर बताओ, क्या अंतर होगा पैंक्रियाटिक अमाइलेज और सलाइवरी अमाइलेज में, कोई अंतर नहीं है, डिफरेंस क्लियर नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, कर देते क्लियर। देखो क्या होता है, समझने की कोशिश करना, तुम लोग सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है आलू के अंदर, किसके अंदर होता है, आलू के अंदर, है ना। अब दो तरीके के आलू होते हैं, कौन कौन से, एक कच्चा आलू एक पक्का आलू, एक कच्चा आलू और एक पक्का आलू, क्या दिक्कत है इसमें, एक कच्ची बादाम और एक पकी बादाम, ठीक है। अब सुनते जाना भाई, देखो देखो सुनो सुनो, देखो अगर देखो जो कच्चा आलू होता है ना, वो कच्चा आलू को ये खा जाए, ये सलाइवरी अमाइलेज जो है तोड़ देती है, लेकिन पक्के आलू को नहीं तोड़ पाएगी। कच्चे आलू को कौन तोड़ देता है, सॉरी पके आलू, जो बॉइल्ड होता है ना, बॉइल्ड पका आलू, सॉरी सुन लेना, जो बॉइल्ड आलू होता है, बॉइल्ड आलू को ये बॉइल्ड स्टार्च, आलू में क्या होता है एक्चुअल में स्टार्च, स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है बेटा, है ना, स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो जो बॉइल्ड आलू होगा या स्टार्च होगा, बॉइल्ड स्टार्च होगी, उसको सलाइवरी अमाइलेज निपटा देती है, और जो अनकुक्ड स्टार्च होती है, अनकुक्ड, ठीक है, अनकुक्ड स्टार्च, अनकुक्ड स्टार्च किसके अंदर मिलेगा, पक्के आलू में, पक्के आलू मतलब अनबॉइल्ड आलू, इसमें अनबॉइल्ड आलू, ठीक है। देखो अनकुक्ड, अनकुक्ड स्टार्च या फिर अनबॉइल्ड आलू, सही है, ठीक है, अनकुक्ड, वो तो अनकुक्ड स्टार्च किसमें मिलेगी, अनबॉइल्ड में, ठीक है, कुक्ड स्टार्च किसके अंदर मिलेगी, कुक्ड स्टार्च किसके अंदर मिलेगी, बॉइल्ड आलू। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, सीधी सी बात है, कुक्ड स्टार्च किसमें मिलेगी, बॉइल्ड आलू में, है ना। तो जो जो भी आपकी अनबॉइल्ड जो आलू होते हैं, है ना, उसको कौन निपटाता है, अनबॉइल्ड आलू यानी कच्चा आलू, अनबॉइल्ड आलू यानी क्या होगा, कच्चा आलू, उसको कौन निपटाएगा, पैंक्रियाटिक, कौन सी बेटा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज,
आपसे पूछा जाए माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, की फैट का, किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च का। आएगा समझ में? पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। आएगा क्वेश्चन है नीट का, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके माउथ में, ठीक है, इन माउथ विच न्यूट्रिएंट गेट डाइजेस्टेड। ये सारे न्यूट्रिएंट होते हैं बेटा, ये तुम्हारे फैट, लिपिड है ना, ये सारे सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है। तो इन माउथ विच न्यूट्रिएंट गेट डाइजेस्टेड, बताओ जरा, स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट, वो भी कौन सी वाली, कौन सी वाली, कुक्ड या अनकुक्ड, कुक्ड की अनकुक्ड, बिल्कुल जो पका आलू आलू होगा है ना, वो जो है वो डाइजेस्ट होगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है सबको? चलो अब सुनते जाना। एक देखो, टाइलिन का दूसरा नाम, टाइलिन को ही अपन जो है क्या कहते हैं, टाइलिन को सलाइवरी अमाइलेज, क्या कहते हैं बेटा, सलाइवरी अमाइलेज। ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये चैट पर बताएंगे सारे के सारे, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सलाइवरी अमाइलेज जो है कहां पर मिलेगी, किसमें मिलेगी सलाइवरी अमाइलेज, चैट पर देखो, सुनते जाना बेटा। इसका आंसर क्या होगा, सभी बताएं चैट पर क्या होगा इसका आंसर। टाइलिन इज सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड में जो है टाइलिन प्रेजेंट होती है, ये बात ध्यान रखना, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। दूसरा देखो, अब आपको ये भी पता नहीं होगा, इसकी डक्ट पूछी जाती है, किसकी, इसकी डक्ट पूछी जाती है। आपको डक्ट दिख रही है, इधर देखो जरा ढंग से, आपको ये डक्ट दिख रही है वाली, देखो जरा, देखो ये डक्ट दिख रही है वाली, ट्यूब दिख रहा है, दिख रहा है ट्यूब। अच्छा इसमें देखो ये वाले ट्यूब दिख रहे हैं वाले, ये देखो ढंग से जरा कोशिश करो, ये वाले ट्यूब दिख रहे हैं, ट्यूब दिख रहे हैं, ट्यूब दिख रहे हैं, और ये भी ट्यूब दिख रहा होगा आपको। इस ट्यूब का नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है, आएगा क्वेश्चन में नीट में, क्या होगा इसका नाम, जानते हो उसके ट्यूब के नाम, जानते हो? और कौन जानता है, इन ट्यूबों के नाम कौन से होते हैं, कौन कौन सी डक्ट होती है किसके अंदर, किसमें कौन कौन सी डक्ट होती है, कौन कौन से ट्यूब होते हैं। ये पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट दिख रही है, नाम क्या है इसका, क्या नाम है, देखो भाई एक ट्रिक है, सुनते जाना। देखो भाई ट्रिक ऑफ सलाइवरी ग्लैंड क्या है, ये 500 रूट वायर, देखो क्या होता है सुनना। तुमने कभी देखा है कि जब जो है कोई जैसे पास कर लेता है, टॉप वॉक कर लेता है, तो बड़ी जो है एक्शन हो जाते हैं उसके अलग ही, उसके भाव बहुत बढ़ जाते हैं, देखता है घमंड आ जाता है, देखा कभी, बड़े रूड से हो जाते हैं, जो टॉप कर देता है बड़े रूड से हो जाते हैं। यार इट्स सो इजी, जस्ट फॉर मी इट्स सो इजी है, ऐसे हो जाते हैं लड़कियों के भी भाव चाहो, और लड़कों के भी जो है भाव बिल्कुल ही थोड़े तेवर थोड़े बदल जाते हैं, वो थोड़े रूड हो जाते हैं, होता है ऐसा, किस किस के साथ ऐसा हुआ हुआ। चलो तो ये बात ध्यान रखना भाई, हमेशा जमीन से जुड़ के रहो, चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, है ना, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आज तुम टॉप की हो, कल कोई और टॉप कर सकता है, और आप भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। लिख लेना बाद में आराम से, अंश लिख लेना बाद में, सॉरी आराम से लिख लेना, है ना। देखो पास पास से क्या जगह, पी पी यानी पैरोटिड बेटा, पी यानी पैरोटिड, ये कहां पर होता है पैरोटिड ग्लैंड, बताना जरा, पारो कहा है, ईयर, ईयर के आसपास एक ग्लैंड होता है, सबलिंगुअल, ठीक है, एस यानी सबलिंगुअल, और दूसरा एस यानी सब मैंडिबुलर। तो पी के बाद क्या आया, पी के बाद क्या आया, एस, पी के बाद क्या आया, पी के बाद आया एस, एस के बाद क्या आया, आर, एस के बाद क्या आया, ये आर, तो पी के, पी का जो एस आया यानी स्टेंसन डक्ट, एस फॉर स्टेंसन, आर फॉर रिवीनस, और डब्ल्यू फॉर वॉटन्स, डब्ल्यू फॉर, आराम से लिख लेना बेटा, देख लो पहले जरा, याद कर लो, एस फॉर, बोलो जरा इकट्ठे, स्टेंसन, आर फॉर रिवीनस, ठीक है, और डब्ल्यू फॉर वॉटन्स, डब्ल्यू फॉर बेटा वॉटन्स, ठीक है, क्लियर, सुनते जाना, ठीक है, क्लियर है, देखते जाना बेटा। 500 रूट वाय, 500 हो गए, तो इतने रूट क्यों हो रहे हो, अपने आप को ब्रह्मा क्यों समझ रहे हो, सो यानी स्टेंसन, आर यानी रिवीनस,
डब्ल्यू यानी वॉटर, बोलो जरा, सो यानी स्टेंसन, आर यानी विनस, डब्ल्यू यानी वॉटर, पास में पी फॉर पैरोटिड, एस फॉर सबलिंगुअल, एस फॉर सबमैंडिबुलर, पी के साथ क्या आया एस, पी के साथ एस, पी फॉर पैरोटिड, एस फॉर स्टेंसन डक्ट, पैरोटिड की कौन सी डक्ट होगी वाली स्टेंसन, यानी कौन डक्ट का नाम लिख दूं यहाँ पर, यानी डक्ट का नाम बताना क्या होगा, पैरोटिड ग्लैंड की जो होगी, क्या नाम होगा इस डक्ट का नाम, कौन सी डक्ट का नाम क्या होगा, स्टेंसन डक्ट, क्लियर है, स्टेंसन डक्ट, क्लियर है बेटा, चलो और बताओ और किसकी कौन कौन सी डक्टे हैं, ये देखो डक्ट दिख रही है अपन को, कौन कौन सी डक्ट के डक्ट है वो देखते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल की कौन सी है रेविनस, एस के बाद आर, सबलिंगुअल की क्या है रेविनस डक्ट, और उसके बाद क्या है सबमैंडिबुलर की कौन सी है वॉर्टन्स डक्ट, कौन सी डक्ट है बेटा सबमैंडिबुलर की कौन सी है वॉर्टन्स डक्ट, कौन सी डक्ट है ये वॉर्टन्स डक्ट, अब सभी इकट्ठे बोलेंगे बेटा, सभी बोलना है सर, पैरोटिड की स्टेंसन, सबलिंगुअल की रेविनस, सबमैंडिबुलर की वॉर्टन्स, करना मुझे, अच्छा आपसे मैं देखता हूँ कौन कितना जानता है, कौन कितना जानता है ये बताना मुझे, ये बताओ ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो रीजनरेट कर जाता है, लिवर, वेरी गुड, क्या बात है, और ऐसा कौन सा चीज है जो रीजनरेट हो नहीं सकती एक बार बस डिवाइड डिवाइड नहीं करती, ऐसी कौन सी चीज है जो डिवाइड नहीं करती, देखो लिवर जो होता है ना, ये लिवर है, मान लो इसका हिस्सा कोई टूट गया, ये जैसे मान लीजिए ये है लिवर, ठीक है लिवर, तो लिवर का मान लो ये हिस्सा आपने तोड़ दिया तो ये दोबारा से क्या कर जाएगा रीजनरेट कर जाएगा, दोबारा से क्या कर जाएगा ये रीजनरेट कर जाएगा, ऐसे छिपकली होती है, ये छिपकली है बेटा ये, ठीक है छिपकली है जो भी है मान के चलो यार, क्या मतलब तुम ये छिपकली है मान के चलो, ठीक है छिपकली है तो छिपकली भी क्या कर जाती है, छिपकली की पूंछ कट गई, छिपकली की कट गई पूंछ कट गई, तो दोबारा अपने आप को क्या कर लेगी वो रीजनरेट कर देगी, क्या कर देगी रीजनरेट कर देगी, ठीक है ये बात ध्यान रखना, ये ठीक है इमेजिनेशन करना है, ठीक है आगे समझ में, तो ये ऐसे समझ आ गया, लेकिन मान के चलो ये है न्यूरॉन, ये क्या बेटा सभी जानते हैं न्यूरॉन है बेटा, क्या ये न्यूरॉन है, ब्रेन में अगर डैमेज हो गया इस न्यूरॉन को डैमेज पहुंच गया, क्या पहुंच गया बेटा डैमेज पहुंच गया, तो बेटा ये रीजनरेट नहीं हो पाएगा, ये रीजनरेट हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा लेकिन ये रीजनरेट नहीं होगा क्योंकि तो डिवाइड ही नहीं करता, डिवाइड ही नहीं करता, ये बात ध्यान में रखना, समझ में आ गया, न्यूरॉन्स तभी कहते हैं, तुमने सुना है कि कभी भी सिरकी लग गई तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, सिरकी सुना है कभी, जब सिरकी लग जाती है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्यों, क्योंकि वहां के जो न्यूरॉन्स होते हैं दोबारा से बनते नहीं है, एक बार डिवाइड हो गए तो वो नहीं, उसके दोबारा डिवाइड नहीं होते, वो समझ में आ गया, क्लियर है ये बात, समझ में आ गई क्लियर है, चलो दूसरी बात, ये तो 12th में आएगा वैसे, ठीक है ऐसा कौन सा जीव है जो कभी पानी नहीं पीता, कैमल नाम मत लेना उसको, अभी उठा करके बाहर फेंक दूंगा मैं, बचपन से कैमल भी पीता है, एक दो महीने बाद वो भी पीता है, रेड कौन सा रेड, कंगारू रेड बेटा, ठीक है तो कंगारू रेड एकमात्र ऐसा जीव है, सुनना एकमात्र ऐसा जीव है कंगारू रेड, ठीक है वो कहाँ मिलता है, अच्छा ये बताओ जरा, ऑस्ट्रेलिया, कंगारू है तो ऑस्ट्रेलिया, ये मिलता है नॉर्थ अमेरिका में, कहाँ मिलता है ये नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, ये चूहा है बेटा, ये क्या ये चूहा है, ठीक है ठीक है, चलो आप सुनते जाना, ये नॉर्थ अमेरिका में चूहा मिलता है, कहाँ मिलता है ये चूहा, ज्यादा मत देखो उसको नया लग जाएगी मेरी ड्रॉइंग को, ठीक है ज्यादा देखना मना है, ठीक है चलो अब सुनते जाना बेटा, तो नॉर्थ अमेरिका में चूहा मिलता है, इसका नाम है कंगारू रेड, क्या नाम है बेटा कंगारू रेड, कंगारू रेड, ये कहाँ मिलता है नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, और ये जो है कभी पानी नहीं पिया इसने आज तक प्यासा है बेटा, ये क्या है आज तक प्यासा है, किसका पानी का, ठीक है तो ये नेवर ड्रिंक वाटर, नेवर ड्रिंक वाटर, तो ये कैसे काम चलता है इसका, कैसे काम चलता है फिर इसका, कोई बता सकता है बताओ जरा, देखो जरा कौन बता पाएगा, कभी आज तक इसने, ये बेटा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मजाक वाली बात नहीं है, ये आपके इकोलॉजी 12th में इकोलॉजी का पार्ट है बेटा, ये 12th में इकोलॉजी का पार्ट है, ये अच्छा
अच्छा कंगारू रैक जो है सेब पानी को बचा रहा है इसलिए नहीं पीता, और तुम लोग इतना वेस्ट कर रहे हो, क्यों क्या हुआ, नल खुला छोड़ जाए उठ के रहे हो। चलो बेटा सुनना, ढंग से सुनना, देखना बेटा सुनते जाना। मैंने कहा उसको याद आ गया आंटी यार नल छुड़ा गया, सर बोल रहे सेम वाटर। देखो भाई क्या हुआ, देखो ये खाता है सीड, क्या खाता है बेटा ये सीड, सीड को मेटाबोलाइज करके, सीड को मेटाबोलाइज करके क्या बना लेता है उससे वाटर बना लेता है। आई बात समझ में, सीड को मेटाबोलाइज करके क्या बना लेता है वाटर, इसलिए कभी पानी नहीं पीता। क्या नहीं पीता बेटा, पानी, सीड से पानी निकाल लेता है, क्या निकाल लेता है।